तारीख 19/12/2022 को मैं बड़वा से, जो शहर टाइप का है छोटा सा, वहाँ से मैं आगे चला। रात्रि विश्राम वहीं किया था और आगे आने के बाद जंगल मार्ग से 12 किलोमीटर अंदर आने पर च्यवन ऋषि के नाम से आश्रम है यहाँ पर, और च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी यहीं पर माता जी के किनारे। तो ये च्यवन ऋषि का प्रतिमा और उसके साथ उनकी माता सुकन्या देवी का प्रतिमा है इस मंदिर के अंदर। बहुत सुंदर मूर्ति, और ये ऋषि, ये च्यवन ऋषि आश्रम माता जी के किनारे ही है इस मंदिर के अंदर। ये बहुत प्राचीन समय से ही ये सिद्ध स्थल रहा है। च्यवन ऋषि, जिन्होंने च्यवनप्राश फार्मूला का विकास किया था, उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश आज भी चलता है, और माना जाता है कि च्यवन ऋषि ने इसको तैयार किया था जिससे उनको बुढ़ापा नहीं आया था। तो वो है असल में च्यवनप्राश।